गोपी मंगल मंगलम पावनम पावने गोपी हरे नामेव अरे
नामेव केवलम्। यस प्रो जी, यस प्रो जी, वेरी वंडरफुल, वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कीर्तन। सो इन टुडेस क्लास, आज के सेशन में हम यही गीत के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का विषय है द ओनली वे। तो ये पूरा गीत है 8 श्लोक का, अष्टकम, 8 verses, और इसका नाम है केवला अष्टकम। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द ओनली अष्टकम। तो ये हर एक जो श्लोक है, पंक्ति है, पैराग्राफ है, एंड होता है हरे नाम ही वो केवलम। तो भगवान का हरे नाम एकमात्र उपाय है, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही वो केवलम। चलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गद्य धन्यता। ये कलयुग में एक ही उपाय है, ओनली वन वे, वो क्या है? भगवान का हरे नाम। और वर्णन आता है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। तो दिस इज दी ओनली वे, तो एकमात्र ये उपाय है। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस सॉन्ग। पहला मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोदृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाभयं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रजापिने निर्विशेष शुक्रवारी अष्टादश दारुणे पंचाकल्पजनोऽष्ट कृपा सिन्धो वैवद पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। तो फिर से आप सबके बीच में उपस्थित होके सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो पिछले दो तीन संडे से भगवान की कृपा से हम हरिनाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हमने डिसाइड किया है हरिनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पेशली ये जो गीत है केवला अष्टकम, तो बहुत सुंदर गीत है और इसका अर्थ बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो पहले श्लोक में वर्णन आता है मधुरम मधुरे व्योक्ति, कि भगवान का जो हरिनाम है इट इज मोर स्वीट देन ऑल अदर स्वीट थिंग्स। मधुर का मतलब है स्वीट, तो मीठा चीज है भगवान का हरिनाम, सबसे मीठा चीज है। तो शायद हमको ये अनुभूति नहीं होगा क्योंकि अभी भी हमारे लिए हरिनाम थोड़ा कड़वा लगता है, ठीक है। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखता है जब किसी को पीलिया होता है जॉन्डिस, तो ऐसा व्यक्ति को टेस्ट करा जाता है, जब कोविड होता है तो टेस्ट हुआ जाता है। तो जब पीलिया होता है जॉन्डिस होता है, ऐसा व्यक्ति शुगर केन जूस पीता है या कुछ भी चीज मधुर चीज पीता है या सकता है, उसको कड़वा ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो चीज में प्रॉब्लम नहीं है, उसके जीवा का टेस्ट चला गया है, इट हैज नॉट एनी टेस्ट। तो इसलिए हरिनाम एक्चुअली सबसे मधुर चीज है, पर हमको भगवान के हरिनाम में रुचि नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हे भगवान, आपने आपका पूरा शक्ति आपके हरिनाम में डाला है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका हरिनाम ले नहीं सकता, आई कांट टेस्ट इट। तो इसलिए हमारे अवस्था में हरिनाम एक मेडिसिन है, औषधि, इट इज अ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन के रूप में आप लेंगे तो क्या होगा, हमारा बीमारी ठीक होगा और वापस स्वास्थ्य आएगा, और उसके बाद हरिनाम लेंगे तो सबसे मधुर चीज लगेगा। जैसे किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, जॉन्डिस का सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है, शुगर केन जूस। शुगर केन जूस पीता रहेगा, पहले तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, बहुत कड़वा लगेगा, पर जब पीता रहेगा शुगर केन जूस तो क्या होता है, उसका टेस्ट वापस आता है, उसका जो बीमारी है मिट जाता है, और उसके बाद वही शुगर केन जूस जो पहले दवाई की तरह था अभी मधुर लगेगा। इसलिए हमको पेशेंट रखना है, उत्साह निश्चया धैर्य, पेशेंट रखो, भगवान का हरिनाम करते रहना है, कड़वा लगे मीठा लगे, क्योंकि हमारा बीमार अवस्था है, बद्ध अवस्था है, इसलिए हम करते रहेंगे भगवान का हरिनाम, एक दिन आएगा जब सबसे मधुर भगवान का हरिनाम लगेगा, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरिदास ठाकुर, रामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन भर हरिनाम कर रहे थे और किसी चीज के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है। जब वो वैश्य भी आती है रक्षगीता हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, उनको आकर्षण ही नहीं है, क्यों, परम दृष्टवा निवर्तते, ही गॉट अ हायर टेस्ट, ऊंचा रस मिला है हरिदास ठाकुर को। तो जैसे हम लास्ट वीक पढ़ रहे थे, प्रभुपाद बताते हैं किसी को पियक्कड़ बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पीते रहेगा तो पियक्कड़ बनेगा। तो वैसे ही हम हरिनाम लेते रहेंगे तो हम भी हरिनाम के अडिक्ट बनेंगे,
वी बिकम अडिक्टेड टू हरिनाम, ये हरिनाम को हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे. मधुरम मधुरे द्योपी, इसमें सबसे मीठा चीज हरिनाम है. देखिए ये दुनिया का कुछ भी चीज है, ठीक है, सपोज किसी का फेवरेट स्वीट है गुलाब जामुन, है कि नहीं. अभी ये ऑनलाइन सत्संग है, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ये सब चीजों के बारे में, क्योंकि जनरली इस्कॉन का सत्संग मतलब प्रोग्राम होता है उसके बाद प्रसाद होता है, पर ये ऑनलाइन कोविड ने हमको थोड़ा एक स्टेप आगे सिखाया है या एक स्टेप पीछे सिखाया है. सत्संग होता है प्रसाद नहीं, प्रसाद को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन तो इमेजिन कीजिए किसी का फेवरेट स्वीट है गुलाब जामुन, एक बार खाएगा, दो बार खाएगा, 15-20 बार खाएगा गुलाब जामुन को, तो क्या लगेगा, गुलाब जामुन का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बोरिंग होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा व्यक्ति, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए. अपने माँ को बताएगा कि और 15 दिन 1 महीने तक गुलाब जामुन मत बना, बस मैं गुलाब जामुन का मुंह भी देखना नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता गुलाब जामुन को, इतना खा लिया है. पर भगवान का हरिनाम जितना लेंगे उतना और लेने का मन करता है, वी विल वॉन्ट टू टेस्ट मोर, क्योंकि ये जो हरिनाम है आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक पदार्थ है, और ये दुनिया का जो स्वीट है या जो शब्द है भौतिक है, इसलिए ये फर्क है. अगर हम कोई व्यक्ति कोको कोला बार बार जप करता रहेगा, कब तक कर सकता है, एक दिन जप करेगा, दो दिन जप करेगा, कंटा आएगा उसको कोको कोला बोलते बोलते. क्यों? क्योंकि ये जो कोको कोला शब्द है भौतिक शब्द है, पर भगवान का हरिनाम ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भक्त कितना करते हैं, रोज करते हैं, हर महीना करते हैं, साल भर करते हैं, कई सालों से करते हैं, 15 साल 20 साल, आप में से काफी सारे भक्त हैं जो 10 साल 15 साल से जुड़े हैं इस काल में, तो इतने सालों से हम वही मंत्र कर रहे हैं, है कि नहीं. कोई आके कंप्लेन करता है क्या कि यह मंत्र थोड़ा बोरिंग हो गया, चेंज करते हैं मंत्र को, फॉर अ चेंज नया मंत्र एक लेके आते हैं. नहीं, ये मंत्र को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मंत्र में रस है, मधुर है ये मंत्र. हालांकि पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद ही सही हरिनाम चखने को मिलेगा, पर भगवान की कृपा देखिए हमारे अवस्था में भी इवन इन आवर कंडीशन हरिनाम थोड़ा बहुत तो रस दे रहा है. आनंदामुति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाशास्त्र का बोलते हैं हरेक पद पे हरिनाम रुचि देता है, इसलिए हम वही हरिनाम रोज कर पाते हैं, साल के साल ईयर आफ्टर ईयर हम वही हरिनाम करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें एक रस है, देयर इज सम टेस्ट. ये जो महामंत्र है भौतिक शब्द नहीं है, इट इज नॉट वर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया का शब्द नहीं है. गोलोकेन प्रेमतन हरिनाम संकीर्तन, डायरेक्ट इंपोर्ट हुआ है कहां से, गोलोक वृंदावन से. ये जो महामंत्र है ये गोलोक वृंदावन की ध्वनि है, गोलोक वृंदावन में जो भक्त हैं निरंतर हरिनाम करते हैं, ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं. तो इसलिए ये जो गीत लिखते हैं आचार्य वो बताते हैं मधुरम मधुरे व्योपी, तो हरिनाम सबसे मधुर चीज है. जैसे राधानाथ स्वामी महाराज उनका एक सेइंग है, ही हैज अ कोट, वो बोलते हैं द होली नेम ऑफ कृष्णा, भगवान का जो हरिनाम है सबसे मीठा चीज है, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, सबसे सुंदर और स्वादिष्ट चीज है. इवन इफ इट मेक्स मी सफर आई विल स्टिल चैंट बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू कृष्णा. तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि भगवान का हरिनाम सबसे मधुर चीज है. अगर हरिनाम करते हुए हमको कष्ट भी आए, क्यों, क्योंकि जैसा डिस्कस कर रहे थे बद्ध अवस्था में हरिनाम थोड़ा कष्ट देता है, अनर्थ निवृत्ति होता है. जैसे कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे और कालिया के अहंकार पे टेस्ट पहुंच रहा था, तो वैसे ही जब हम हरिनाम करते हैं हमारा अहंकार पे टेस्ट पहुंच सकता है, और जैसे कालिया के मुख से विष निकलता है तो कभी कभी बहुत सारा विष भी निकलता है, तो फिर भी हमको हरिनाम करना चाहिए.
और ये विश्वास होना चाहिए कि सबसे मधुर चीज रही ना, मुझे कड़वा भी लगा फिर भी मैं करूंगा क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो हम हरि नाम क्यों करते हैं? हमको आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे मजा आ गया आज हरि नाम में, लेकिन हमारे मजा के लिए हम हरि नाम नहीं करते। इसके लिए करते हैं कृष्ण के आनंद के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। इसलिए यहाँ पे आचार्य लिखते हैं मधुरम मधुरे द्योति, सबसे मधुर चीज है हरि नाम। आगे लिखते हैं मंगले द्योति मंगलम, सबसे मंगलमय चीज, जितने भी मंगलमय चीज है उससे भी मंगलमय चीज क्या है? भगवान का हरि नाम। लोग अपना कुंडली या ज्योतिष देखता रहता है, जिंदगी में क्या समस्या आने वाला है, मेरा जिंदगी में शुभ होगा कि अशुभ होगा, अशुभ से बचने के लिए मुझे क्या करना है, अलग अलग टेक्निक्स करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, पूजा हवन करते हैं इत्यादि। पर अगर हम भगवान का हरि नाम करेंगे, इससे मंगलमय चीज और कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग मोर ऑस्पिशियस देन दिस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे श्रीला प्रभुपाद, जब श्रीला प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा हो रहा था, अपने गुरु भाई से केशव भारती महाराज संन्यास स्वीकार कर रहे थे, उस समय ही यज्ञ चल रहा था और अलग अलग मंत्र का उच्चारण हो रहा है ताकि शुभ हो ये संन्यास सेरेमनी में। और वहां पे प्रभुपाद के और एक वरिष्ठ गुरु भाई थे कृष्णदास बाबाजी महाराज, वो मृदंग लेके हरिनाम का कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद के जो संन्यास गुरु है वो बीच बीच में कृष्णदास बाबाजी महाराज को बोलते थे कीर्तन रोको, प्रभुपाद को यज्ञ पे फोकस करने दो, यज्ञ के मंत्र पे फोकस करने दो। तो कीर्तन रोकते थे और प्रभुपाद कृष्णदास बाबाजी महाराज को बोलते थे कीर्तन करो, हरि नाम करो, क्योंकि प्रभुपाद का विश्वास था कि ये यज्ञ से इंपॉर्टेंट है संकीर्तन यज्ञ। ये हवन का जो यज्ञ कुंड है उससे शुभ होगा, पर उससे कहीं ज्यादा शुभ होगा जहां पे हरि नाम होगा, हरि नाम संकीर्तन। इसलिए द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग इज स्टैंडिंग होली है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम भगवान का हरि नाम ले रहे हैं, हमको ये विश्वास होना चाहिए हमारे जिंदगी में कुछ भी चीज अशुभ नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। कठिनाई तो आएंगे पर वो कठिनाई हमारे लिए अशुभ नहीं बनेगा, शुभ ही होगा, देयर विल बी नथिंग इनऑस्पिशियस। बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, किसी का मृत्यु हो गया एक्सीडेंट के साथ या कैंसर के साथ, लोगों को ये प्रश्न रहता है कि भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने बुरी तरीके से वो मरे क्यों, एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैंसर क्यों हुआ इत्यादि उनका प्रश्न रहता है। पर वो ये सिद्धांत को समझ नहीं सकते कि किसी की जिंदगी में शुभ है कि अशुभ है बाहर दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता। तो जनरली लोगों का दृष्टिकोण क्या रहता है, किसी की जिंदगी में समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन समवन्स लाइफ, और बंगला अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, सेहत अच्छा है, तो लोग बोलेंगे बहुत शुभ जिंदगी है इसका, वेरी ऑस्पिशियस वे, बहुत भाग्यवान है। और किसी की जिंदगी में समस्या है तो लोग क्या बोलेंगे, भाग्य अच्छा नहीं है इसका, देखो कितना समस्या है इसके पास। पर भक्ति का कैलकुलेशन अलग है, जिसके पास भगवान है और हरिनाम है that person's life is most auspicious. जिसके पास हरिनाम है और निरंतर हरिनाम करता रहता है सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। उसके जिंदगी में कठिनाई भी आए उसको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आज श्रीवास पंडित का तिरोभाव दिवस है, टुडे इज द डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित की जिंदगी में बहुत सुंदर कहानी आती है जिससे श्रीवास पंडित आपको सिखाते हैं सही मंगलमय चीज क्या है। तब रात भर जब श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन चल रहा था, तो एक रात को श्रीवास पंडित के जो पुत्र है वो मर जाते हैं, और घर के जितने स्त्रियां हैं इतना रोते हैं, इतना विलाप करते हैं। तो श्रीवास पंडित आके उनको बताते हैं, देखिए अभी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, आप रोइए मत, क्योंकि चैतन्य आप रोएंगे आपके आवाज से चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन बंद होगा, और ये मैं होना नहीं चाहता,
क्योंकि मेरे घर में भगवान आए हैं और उनके भक्त आए हैं, उनके सेवा में अड़चन नहीं होना चाहिए। और श्रीनिवास पंडित बताते हैं जहां पे भगवान है और जहां पे भगवान के भक्त है और हरिनाम चल रहा है, वहां पे अशुभ चीज कैसे हो सकता है? जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर बेनिफिट, एस्पेशली भक्ति करते हुए। तो श्रीनिवास पंडित का ये विश्वास था हरिनाम करते हुए कभी भी भक्तों की जिंदगी में अमंगलमय जो घटना है कभी घटी नहीं सकता, इनऑस्पिशियस चीज कभी हो ही नहीं सकता। जो भी होता है ऑस्पिशियस ही होता है। जैसे भागवतम में परीक्षित महाराज की कहानी आती है, परीक्षित महाराज जो भगवान के महान भक्त हैं, उनको श्राप मिलता है 7 दिन में उनका मृत्यु, 7 डेज में डेथ। इमेजिन करो कोई ऐसा हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे क्या कर रहे हैं कृष्ण, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय, इतने छोटे से गलती के लिए इतना बड़ा सजा, हम कृष्ण की भक्ति ही छोड़ देंगे, विश्वास ही उठ जाएगा। पर परीक्षित महाराज को इतना विश्वास था, उनको लगा कि ये सबसे बढ़िया न्यूज है, द बेस्ट थिंग, क्योंकि मेरा परिवार के साथ जो आसक्ति है वो तोड़ना बहुत मुश्किल था, पर भगवान ने मेरा जो कार्य बहुत सरल बना दिया, कृष्णा इज मेड माई लाइफ वेरी इजी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे भी हरिनाम हो रहा है वहां पे मंगलमयी जो समाचार है, मंगलमयी जो वातावरण है वही होगा, कुछ भी चीज बुरा हो ही नहीं सकता। नथिंग इनऑस्पिशियस कैन हैपन। आगे लिखते हैं पावन पावने ब्योति, जो भगवान का हरिनाम है सबको पावन करता है, इट प्यूरिफाइज एवरीवन, द ग्रेटेस्ट प्यूरिफायर ऑफ ऑल प्यूरिफाइंग थिंग्स। अलग अलग चीज पावन करता है, हम पानी से किसी चीज को धोते हैं शुद्ध करने के लिए, या आजकल सैनिटाइजर लगाते हैं लेकिन शुद्ध करने के लिए सैनिटाइजर था आपको, दीज आर ऑल प्यूरिफाइंग एजेंट्स। पर सबसे शुद्ध करने वाला चीज क्या है? भगवान का हरिनाम। इसलिए दीक्षा के समय ये मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि मा यस्मदे पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतरंग सुशुद्धि। तो अगर कोई शुद्ध है अशुद्ध है अंदर से बाहर से, भगवान का हरिनाम करेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा, निश्चित रूप से शुद्ध बनेगा 100%। चेतो दर्पण मार्जनम, तो चेतन मार्ग बोलते हैं भगवान का हरिनाम क्या करता है, हमारे हृदय को चेतना को शुद्ध बनाता है। कौन सा वो डिटर्जेंट है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है? एक ही व्यक्ति है भगवान का हरिनाम। जब हम ध्यान से बोलेंगे हरिनाम और ध्यान से सुनेंगे, भगवान कानों के माध्यम से कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से जाके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। इसे वजन आता है पावन पावने ब्योति, भगवान का हरिनाम सबसे पतित व्यक्ति को भी पावन बना सकता है। और इतने सारे कहानियां हैं, हम सबका उदाहरण है, हम सबका लाइफ वही है, हम कहीं और कुछ और कर रहा था हमारा, पर हम हरिनाम करने लगे और हरिनाम की शक्ति से हम पवित्र हो रहे धीरे 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 साथ। शास्त्रों में मृगारी की कहानी आती है, मृगारी जो कितना क्रूर हंटर था शिकारी का, वो भी भक्त बनता है हरिनाम का जप करते हुए। वाल्मीकि मुनि की कहानी आती है, वाल्मीकि मुनि भी डकैत थे, डकैत, पर राम का नाम लेते हुए राम का हरिनाम करते हैं वो शुद्ध बन गए, इतने बड़े संत बन गए और रामायण की उन्होंने रचना की। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, सो मेनी स्टोरीज ऑफ द पावर ऑफ द होली नेम। श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार करके इंडिया आए थे, उस समय प्रभुपाद बॉम्बे में थे और बॉम्बे चौपाटी बीच में, जो हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है वहां पे बीच है चौपाटी बीच, वहां पे एक प्रोग्राम था साधु सम्मेलन, अलग अलग साधुओं को बुलाया था और प्रभुपाद को भी बुलाया था उधर। तो अलग अलग साधु अपना प्रवचन देने लगे, डिफरेंट फिलोसफीज। जब प्रभुपाद का बारी आया और प्रभुपाद लास्ट का था स्पीकर, लास्ट स्पीकर प्रभुपाद, जब प्रभुपाद आए प्रभुपाद ने प्रवचन ही नहीं दिया, प्रभुपाद ने अपने जो
गोरे शिष्य है, अमेरिकन है, उनको बोला कीर्तन करो। इतना कीर्तन किया उन्होंने और कीर्तन इतना जोरदार चला, पूरा क्राउड, बॉम्बे का क्राउड पूरा नृत्य करने लगा। अब तक इतना प्रवचन सुन रहे थे, सबको सबको कंटाला आने लगा, बोरिंग होने लगा, जैसे शायद अभी थोड़ा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है सबको। तो ऐसे लोगों को कंटाला आने लगा। तब प्रभुपाद ने कीर्तन किया और कितने लोग प्रभावित हो गए बॉम्बे के और अमेरिकन। इसलिए प्रभुपाद का ये प्रीचिंग फॉर्मूला था, प्रीचिंग फॉर्मूला क्या था, प्रभुपाद का अमेरिकन गोरे लोगों को लेके आओ। जब भारत के लोग देखेंगे कि अमेरिका के लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तभी भारत के लोग भी हरे कृष्णा करेंगे। और इनका कीर्तन आधा घंटा चला जोरदार। बाद में प्रभुपाद ने माइक लिया और प्रभुपाद बोले, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने क्या जादू किया इनके ऊपर, कितना परिवर्तन हो गया उनका, जो मांसाहार कर रहे थे, द्यूत क्रीड़ा, स्त्री संग सब कर रहे थे, अभी इतने शुद्ध वैष्णव बन गए। प्रभुपाद बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको महामंत्र दिया, ये लोग महामंत्र का जप कर रहे थे इसलिए वो लोग शुद्ध बन गए। पावनम पावने ज्योति हरेर नामैव केवलम। तो भगवान का हरिनाम इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग। आगे जाके वर्णन आता है, वर्स नंबर 2, आरंभ स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो ब्रह्मलोक से ये पाताल लोक तक पूरा माया का नगरी है, प्रोडक्ट ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। आरंभ स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब माया का नगरी है, माया का खेल है। माया का मतलब क्या है, दैट विच इज नॉट, सत्य नहीं है दुनिया का, इट नॉट अ रियालिटी इन दिस वर्ल्ड, इसको इल्यूजन बोलते हैं, इट इज इल्यूजरी। ब्रह्म है ये, आप प्रपस्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत। तो जैसे एक मैजिशियन होता है, अलग अलग मैजिक ट्रिक्स करता है, तो ये पूरी दुनिया में मैजिक ट्रिक्स कर रहा है माया का, जो आज दिखता है कल नहीं रहता, चेंज होता रहता है लाइफ। मुझे याद है जब भी मैं मीनामार बीच जाता हूँ, हम कभी कभी जाते हैं, अभी तो शराब आ गए हैं, पर जब टालीगांव पैंडी में थे, टाइम मिलता था तो हम मीनामार बीच पे जाके थोड़ा कीर्तन करते थे। तो मुझे हमेशा मैं ये सीन को याद रखता हूँ, जब मैं आंख बंद करके कीर्तन करता हूँ, आंख खोल दिया 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद, तो सामने सीन चेंज हो जाता है, लोग जो थे चले जाते हैं और कोई लोग आ जाते हैं, पंछी आते हैं जाते हैं, सीन चेंज होता रहता है। तो ये दुनिया में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, दिस इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, द ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज इम्परमानेंसी। वही एक ही चीज है, सब चल, इट विल कीप मूविंग ऑन, चलता रहेगा। जैसे आप बादल की तरफ देखो, बादल हवा के साथ चलता रहता है, बादल में अलग अलग रूप बनते हैं, अलग अलग फॉर्म बनते हैं, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, पर रूप, ये सब रूप चलता जाता है, कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। तो ऐसे ही हमारे सामने कुछ दिखता है रियलिटी, कल नहीं होता। ये कोविड पीरियड में तो कितना हुआ है, कितने सारे लोग आए हैं चले गए हैं कोविड पीरियड में, बट लाइफ कीप्स गोइंग ऑन, चलता रहता है जिंदगी, यू हैव टू कीप कैरिंग। तो इसलिए आरंभ स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, तो ये पूरा माया का नगरी है। इसलिए हम इधर अगर हम परमानेंटली सेटल होने का प्रयास करेंगे, कभी सेटल हो ही नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, डोंट बिल्ड योर हाउस ऑन शिफ्टिंग सैंड्स। अगर आप घर बांध रहे हो और जो मिट्टी है हमेशा चेंज होता रहता है, तो घर कैसे टिकेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही हम इधर परमानेंटली सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये भौतिक दुनिया में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, हम भी परमानेंट कभी यहाँ रह ही नहीं सकते। इसलिए बुद्धि मतलब क्या है, परमानेंट चीज पे फोकस करना, फोकसिंग ऑन द परमानेंट। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज द परमानेंट फॉर द इम्परमानेंट, यू विल बी लेफ्ट विद नन। आप परमानेंट चीज को छोड़ देंगे इम्परमानेंट के पीछे, इम्परमानेंट तो चला जाएगा, परमानेंट भी आपके हाथ में नहीं है, तो क्या आपके हाथ में है, कुछ भी नहीं है आपके हाथ, खाली हाथ। इसलिए हमको परमानेंट चीज पे फोकस करना है, ये दुनिया के सो कॉल्ड सत्य पे नहीं,
राइट. इन दिस वर्ल्ड ऑल द ट्रूथ्स आर रिलेटिव, रिलेटिव ट्रूथ है. जैसे अभी हमारा शराब में आश्रम है, तीन साल पहले वहां पे आश्रम नहीं था, ब्रेनिंग नहीं था. अभी का सत्य है वहां पे आश्रम है, पर और एक 100 साल 200 साल बाद शायद वो बिल्डिंग नहीं रहेगा. तो दीज आर वेरी टेम्पररी रियालिटीज, टेम्पररी रियालिटीज है. इसमें हमको फंसना नहीं है. माया के अलग अलग प्रलोभन में हम फंस गए. माया जो जादूगर है, जो अलग अलग चीज बनाती है, इसमें हम फंस गए. तो परमानेंट चीज रहता है. इसमें परमानेंट चीज क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम. द ट्रूथ, अगेन आई से ट्रूथ, द होली नेम ऑफ श्री हरि अलोन इज एवरीथिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ क्या है, रियालिटी क्या है दुनिया में? रियालिटी है भगवान का हरिनाम. इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, ये दुनिया में दो ही चीज आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है. एक है जीव आत्मा, हम सब आध्यात्मिक हैं, और दूसरा है भगवान का हरिनाम. दीज आर द ओनली टू स्पिरिचुअल ट्रूथ, रेस्ट ऑल आर मटीरियल सो कॉल्ड ट्रूथ. तो इसलिए सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हरिनाम. ये हरिनाम कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए. सुखे दुखे बोले ना को बदले हरिनाम बोलो. तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सुख में या दुख में, क्योंकि ये दुनिया का परिस्थिति है. मात्र स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायिनो अनित्यस्तांतिपिक्षस्त भारत. कृष्ण गीता में बोलते हैं कि सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा. तो इसके पीछे लगना नहीं है, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है सुख को पकड़ के रखने के लिए या दुख को पकड़ के रखने के लिए. आएगा जाएगा, हमको क्या करना है? सुखे दुखे बुने नाम को बदले हरिनाम बोलोगे. हमको सुख में या दुख में निरंतर भगवान का हरिनाम करना है. क्यों? क्योंकि भगवान का हरिनाम एक ही सत्य है दुनिया में. आगे जाकर लिखते हैं स गुरु स पिता चापी स माता बांधवो की स शिक्षये सदा स्मरतुं हरेर नामैव केवलम्. तो ये बहुत सुंदर है. तो सही गुरु कौन है, सही पिता कौन है, सही माता कौन है, और सही दोस्त कौन है जो हमको सिखाता है शिक्षये सदा स्मरतुं हरेर नामैव केवलम्. जो हमको सिखाता है कि हमेशा भगवान का हरिनाम करो, यही सत्य है. ये जो व्यक्ति सिखाता है वो सही रूप में पिता है, गुरु है, माता है और दोस्त है. तो ये दुनिया में बहुत सारे संबंध बनाते हैं, है कि नहीं? माता पिता, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं. पर सही रिश्ता क्या है, ट्रू फ्रेंडशिप क्या है? जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हरिनाम करो, ये हरिनाम एक ही सत्य है. तो श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं हम किसी का दोस्त कैसे बने, हाउ कैन वी बिकम फ्रेंड्स ऑफ एनीवन, और दोस्त बन के हम उनका मदद कैसे करें. हम सब स्वयं डूब रहे हैं संसार में, दूसरों का मदद कैसे करेंगे. तो ये बोलना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं आपको मदद करूंगा, ये सही नहीं है. तो सही दोस्त कौन है जो अपने दोस्त को बताता है देखो मैं बद्ध जीव हूं, मेरा कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए आप क्या करो कृष्ण का आश्रय लो. जो दोस्त हमको इंस्पिरेशन देता है कि आप कृष्ण को दोस्त बनाओ, वो सही में हमारा दोस्त है. वन हू इंस्पायर्स अस टू मेक फ्रेंडशिप विद कृष्णा, दैट इज अ रियल फ्रेंड. तो दिस इज रियल फ्रेंडशिप. जैसे भक्ति तीर्थ महाराज और आदानाथ स्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज 2005 में वो शरीर छोड़ते हैं कैंसर की वजह से, पर जब वो अंतिम दिनों में थे वो रिक्वेस्ट करते हैं आदानाथ स्वामी महाराज को कि आप मेरे साथ रहिए अंतिम दिनों में, ये अंतिम यात्रा में. और आदानाथ महाराज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे, पर महाराज ने सब कैंसिल किया अपने दोस्त को मदद करने के. और मिलकर क्या कर रहे थे, पॉलिटिक्स जो ग्राम में तथा प्रजन पर डिस्कस कर रहे थे, नहीं वो एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे थे हरिनाम करना है साथ. तो दिस इज रियल फ्रेंडशिप. मन चित्त मत गता प्राण बोधयंत परस्परम तथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंत.
इसलिए जब भक्त साथ में आते हैं क्या करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा देना है कृष्ण के बारे में। आपने क्या सुना कृष्ण के बारे में, मैंने क्या सुना, कीप डिस्कसिंग। तो ये करने से संबंध भी बहुत घनिष्ठ बनेगा और ये पिता का माता का गुरु का कर्तव्य है। जैसे श्रीला प्रभुपाद के पिता गौर मोहन देव इतने सुंदर पिताजी थे, सच गुरुकुल पालक, बचपन से ही प्रभुपाद को शिक्षण दिया, बचपन से ही प्रभुपाद को खिलौना दिया राधा कृष्ण का। हाँ, ये जो बाबी डॉल है, ये डॉल है, ही मैन, जियो टॉय, ये सब नहीं दिया उनको, राधा कृष्ण के विग्रह दिए। बचपन से ही उन्होंने सिखाया पूजा आराधना करना। अभी रथ यात्रा आ रहा है थोड़े दिन में, प्रभुपाद के पिताजी ने श्रीला प्रभुपाद को रथ बना के दिया बच्चे के रूप में और बोला कि अपने मोहल्ले में रथ यात्रा करो, फेस्टिवल किया, स्वीट बनाता। तो लोगों को लगेगा अरे ये छोटा चीज से क्या आता है, बच्चों को ये संस्कार क्यों देना है। तो ये सब संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाने श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, मैंने जब अपने गुरु महाराज से मिला, मेरे गुरु महाराज ने एक्स्ट्रा कुछ चीज सिखाया नहीं, मैंने अपने गुरु से पुस्तक वितरण और प्रचार का सिक्का कार्य और बाकी भक्ति का कार्य मेरे पिता ने ही सिखा दिया। और जब भी कोई साधु आते थे और प्रैक्टिकली रोज प्रभुपाद के पिता उनके घर में साधु को निमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगते थे, एक ही आशीर्वाद है, मेरा जो बच्चा है अभय चरण राधा रानी का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, बस और कुछ इच्छा नहीं, नो अदर डिजायर। लंदन में जाके बैरिस्टर बनना, ये करना, वो करना, कुछ इच्छा नहीं। उनका इच्छा था प्रभुपाद को मर्दन आना चाहिए अच्छा, शुद्ध गुड मर्दन, और राधा रानी का भक्त और अच्छा प्रचारक बनना चाहिए, बस। तो ये सही पिता है जो अपने बच्चे को प्रेरणा देता है कि कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्रार्थन। क्योंकि ये दुनिया के पिता कब तक रहने वाले हैं बच्चे के साथ, परमानेंटली रहेंगे क्या, नहीं रह सकते। बच्चे को कृष्ण के साथ जोड़ना है। भागवतम में सुनीति की कहानी आती है, जो गुरु महाराज की माँ है सुनीति, जब गुरु महाराज रोते रोते आते हैं सुनीति के पास और सुनीति पूछती है क्या हो गया, तो गुरु महाराज बोलते हैं मेरे पिता ने उनके गोद पे मुझे बिठाया नहीं, मैं अभी बदला लेना चाहता हूं, क्या करूं, आप कुछ तो मदद करो, मेरा मुझे प्रेम दो, मैं प्रेम का भूखा हूं, आप मुझे प्रेम दो, आप मेरे माँ हो। तो सुनीति क्या बोलती है, देखो मैं आपको प्रेम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, पर कितना प्रेम दे सकती हूँ, मेरा भी सीमा है, मैं भी साधारण जीव हूं, पर आप कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण हजारों माँ के प्रेम दे सकते हैं, ही कैन गिव यू लव इक्वल टू थाउजेंड ऑफ मदर्स। तो ये सही माँ है जो अपने बच्चे को प्रेरणा देती है कृष्ण का आश्रय लो, एक क्षेत्र कृष्णा। तो ये सही गुरु है, सही पिता है, सही माता है, सही दोस्त है, जो अपने जो सगे संबंधी है उनको इंस्पिरेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा ये सदा स्मरतु हरे नामे को केवल, जैसे प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को शिक्षा देते थे, बातचीत करते थे, कौमारम आचरे कर्म्यो, बोलते थे हमको भक्ति अभी से शुरू करना है, क्यों, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, डेथ कैन कम एट एनी टाइम। सो दैट इज द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक 4, विश्वासे नाहि विश्वास तदा रूदो भविष्यति कीर्तनीय भतो भाग्यात् हरे नामेव केवलम्। विश्वासे नाहि विश्वास, विश्वासे का मतलब है लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस कब रहेगा उसका कुछ विश्वास नहीं है, नो गारंटी, ठीक है, डेथ बर्थ डेट हमारा फिक्स्ड है, डेथ डेट फिक्स नहीं है, कब आएगा पता नहीं, कोविड आएगा, कैंसर आएगा, कौन सा एक्सीडेंट होगा, नो गारंटी, किसी को पता नहीं अंतिम सांस कब होगा। तो इसलिए आपको जिंदगी कैसे बताना है, जैसे एवरी डे इज माई लास्ट डे, आज मृत्यु आ गया, सपोज टुडे इज द लास्ट डे, आज मृत्यु आ गया, हमको एटलीस्ट कितना तो भक्ति करना चाहिए, मृत्यु भी आया तो हमको चिंता नहीं, मैंने कोशिश किया है अच्छे से भक्ति करने के लिए। विश्वास है ना ही विश्वास सदा रूदो भविष्य कीर्तनीय मतो भाग्य हरिर नामैव केवल। इसलिए जब अंतिम सांस आएगा और हमारे सब प्लान को रोक देगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना है,
कीर्तनीय मतो बाल्यार, बचपन से ही ये प्रैक्टिस करना है किसका, कीर्तन का, कीर्तनीय सदा हरि टाइम टू चैंट होली नेम, ये बचपन से प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस पहले से करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस अभ्यास योग युक्ते न, कृष्ण गीता में बोलते हैं जब अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो कृष्ण बोलते हैं हाँ सही है मन को कंट्रोल करना मुश्किल है पर अभ्यास प्रैक्टिस से हो सकता है। तो जो जिस चीज को प्रैक्टिस करते हैं बार बार उसमें हम एक्सपर्ट बनते हैं, सिंगिंग प्रैक्टिस करोगे सिंगिंग में एक्सपर्ट बनोगे, बर्तन प्रैक्टिस करोगे उसमें एक्सपर्ट बनोगे, तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट बनोगे। इसलिए हरिनाम करना बचपन से ही, और अगर हम शायद भक्ति में लेट आए हैं, जब भी आए हैं तभी से हरिनाम सीरियसली लेना, बेटर लेट देन नेवर, लेट आए हैं पर एटलीस्ट अभी शुरू करना चाहिए, ऑलरेडी समय व्यर्थ हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये समय कब अंत होगा, सडन अंत होगा। कोई हमारे भक्त है जिनकी सासू माँ गुजर गई, हमारे कई उम्र टूट गई, तो मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था, वो बता रहे थे she was living normally, नॉर्मल डे था उसका, उसकी माँ का, सडनली मृत्यु आ गई। तो ये जो मृत्यु है सडनली आता है, बोल के नहीं आता, इधर तो सडनली उठली, इसलिए प्रिपेयर रहना। हमारे स्कूल में स्काउट्स था, पता नहीं रेड क्रॉस होता ना, रेड क्रॉस वैसे स्काउट्स होता है बॉयज के लिए, हमारा स्काउट्स था, स्काउट्स एंड गाइड्स बोलते हैं, तो हमारा एक मोटो लोगो मोटो और मिशन ऑफ स्काउट्स, उसका मोटो क्या था, बी प्रिपेयर, हमेशा तैयार रहो। जैसे कोई युद्ध के लिए जाता है क्या करता है, स्पेशली जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं कहीं पे भी जाते हैं उनका गन चाकू सब रेडी रहता है, क्योंकि कब टेररिस्ट आएगा गारंटी नहीं है, तो वैसे ही मृत्यु कब आएगा गारंटी नहीं है, इसलिए हरिनाम निरंतर करना है। और शायद मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, इसलिए जप माला हमेशा होना चाहिए भक्तों के पास, हमें ये हमारा AK-47 है और HK-108 है, AK-47 से भी ज्यादा पावरफुल HK-108, तो ये जो गन है ये जो महामंत्र है और ये माला है निरंतर हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकता है, वी आर बी प्रिपेयर्ड। आगे जाके लिखते हैं हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवतो जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम्। होता है भगवान हरि कहाँ है, भगवान कहाँ मिलते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे नाहं हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो कृष्ण नारद को बोलते हैं हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, आप कहाँ पे आओगे, मैं नहीं मिलूंगा, आउट ऑफ प्लेस, योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, पर कहाँ पे रहते हैं भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पे भक्त आके ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित आके गाते हैं कीर्तन के बारे में, कीर्तन करते हैं भगवान के बारे में चर्चा होता है, वहां पे कृष्ण रहता है। इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है हरे सदा वसे तत्र यत्र भागवत जना, तो भगवान हरि कहाँ रहते हैं, जहां पे भागवत जना, जहां पे भगवान के भक्त आते हैं गायन्ति भक्ति भावेन और भक्ति के साथ गाते हैं। इसलिए कलयुग का धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ, जप इंपॉर्टेंट है पर जप से ज्यादा संकीर्तन इंपॉर्टेंट है, साथ में आके कीर्तन करना, सम्यक कीर्तन, जैसे गौरांग गुरु ये उदाहरण कहते हैं स्ट्राइक करना है ना, स्ट्राइक हमारी मांगे पूरी करो, स्ट्राइक करते हैं ना, आप अकेले जाओगे गवर्नमेंट के सामने पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बोलेगा जा तू, तो चिल्लाते रहे किसी को फर्क नहीं, पर आप भीड़ लेके जाओगे हजारों लोग जाएंगे हमारी मांगे पूरी करो, सीएम को सुनना पड़ता है, सीरियसली लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि नंबर है। इसलिए हम कृष्ण के पास जाके जप करेंगे, जप इंपॉर्टेंट है पर हम अकेले जप कर रहे हैं, कृष्ण हम पे कृपा दिखाओ, कृष्ण हम पे कृपा दिखाओ, कृष्ण बोलते हैं ठीक है, पर जब साथ में आते हैं और सब भक्त भगवान को पुकारते हैं कृष्ण आप कृपा दिखाइए आपको आगमन लेना ही है,
तब निश्चित रूप से कृष्णा है। तो संख्या में शक्ति है, देयर इज पावर इन नंबर, संख्या में शक्ति है, स्पेशली कलयुग में। गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामैव केवलम्। तो आगे जाकर लिखते हैं, अहो दुःखं महादुःखं दुःखा दुःख साचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम्। अहो दुःखं तो बोलते हैं अहो, व्हाट अ सॉरो, व्हाट अ ग्रेट सॉरो, मोर पेनफुल देन एनी अदर मिजरी इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा दुख क्या है? अहो दुःखं महादुःखं, सबसे महान दुख क्या है? दुख का दुख का तरफ यह था, सब दुखों में से सबसे बड़ा दुख। काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम्। भगवान को जो हरिनाम है, जो चिंतामणि है, सबसे अमूल्य रत्न है, पर हमने क्या किया है, ये रत्न को वैल्यू दिया ही नहीं। हम इसको साधारण जो ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, वो समझ के हम सीरियसली लेते ही नहीं। जो दुनिया का जो चीज है, जो असली में कांच का टुकड़ा है, उसको पकड़ के रखते हैं हृदय में। और भगवान का हरिनाम जो सबसे अमूल्य धन है, हरिनाम चिंतामणि, उसको हम सीरियसली नहीं लेते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये दुर्भाग्य है और मिसफॉर्च्यून। हमारा दुर्भाग्य क्या है? हरिनाम मिला है, फिर भी हम इसको, इसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट मिजरी, इससे बड़ा दुख और कुछ है ही नहीं। ग्रेटेस्ट सॉरो, सॉरो बिगर देन एनी अदर। तो इसका मतलब क्या है? हमको हरिनाम का इंपॉर्टेंस समझना है। ये कितना आसान चीज नहीं है, सबको नहीं मिलता। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान वीर, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, अनेक योनियों में, 84 लाख योनि में बार बार भ्रमण करके किसी को ये हरिनाम मिलता है। पर अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये जो अवसर है छुट जाएगा। तो आगे जाके लिखते हैं, दियताम दियताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामैव केवलम्। तो इसलिए भगवान हरिनाम क्या करना है, इट शुड बी हर्ड अगेन एंड अगेन, बार बार सुनना है। नियताम नियताम नित्यम, बार बार it should be heard, it should be uttered, बार बार इसको गाना है, इसका उच्चारण करना है। क्यों? जितने बार हम करेंगे उतना रस आएगा। जैसे रूप गोस्वामी उनके प्रार्थना में लिखते हैं कि भगवान ये कृष्ण, ये दो शब्द कृष्ण, इसमें इतना रस है भगवान, एक जीव, वन टंग इज नॉट इनफ। मेरा इच्छा है हजारों मुख होने चाहिए, लाखों मुख होने चाहिए, क्योंकि एक जीव से कृष्ण का नाम का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, और दो कान काफी नहीं है, हजारों लाखों कान चाहिए मुझे। और इतने कानों से जब हृदय में जाएगा ये हरिनाम, ये जो कृष्ण शब्द है, हमारे हृदय को पूरे जीत लेगा। नियताम नियताम कर लो, नियताम नियताम वचः नियताम नियताम नित्यम हरेर नामैव केवलम्। इसलिए आपको कोशिश करना है भगवान के हरिनाम को कीर्तन करते हुए गाते रहना, स्नान कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कीर्तन करते रहना, जप करते रहना, सुनते रहना भगवान का हरिनाम। तो वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, हम कृष्णमयी बनेंगे। 24 hours यही चलता रहेगा तो वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदम मया शुद्धम हरेर नामैव केवलम्। It makes the entire universe seem insignificant as a blade of grass. तराजू होता है ना, तराजू, तराजू के एक साइड पे आप हरे नाम रखो और एक साइड पे पूरा दुनिया रख दो, ब्रह्मांड के जितने भी आनंद है सब रख दो। यहाँ पे ये आचार्य बता रहे हैं फिर भी हरे नाम बहुत भारी रहेगा। It makes the entire universe seem insignificant like a blade of grass. हरे नाम के सामने ये पूरा दुनिया तुच्छ लगेगा, शायद हमको अभी लग नहीं रहा है, पर अगर हम हरिनाम करते रहेंगे ये एक स्तर पे आएंगे, हमको तुच्छ लगेगा। हरिनाम छोड़ के हम किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इट इज स्प्लेंडरसली रेन सुप्रीम ओवर ऑल, राजते सकलों परि, सब जितने भी इंद्रिय भोग है, स्वर्ग है, मोक्ष है, उसका राजा हरिनाम है। इट इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रार्थना आपको सिखाया है
नदनम न जनम न सुंदरी कवि नामाज नदी शतामये मम जन्मनी जन्मनी स्वर्ते भवता पत्ते हरे सुखी हुई। हे भगवान, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, इंद्रभोग की इच्छा नहीं है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति और आपका हरिनाम। आई जस्ट वॉन्ट टू चैंट हरे कृष्ण चिदानंदम मया शुद्धम हरे नामेव केवल। तो भगवान का जो हरिनाम है चिदानंद, चिद का मतलब ज्ञान है, आनंद है और शुद्ध है। इससे वर्णन आता है हमारे पुराणों में, हमारी लक्ष्मियों का पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। तो वर्णन आता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का जो हरिनाम है चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य मतलब भगवान का हरिनाम लिविंग फोर्स है। इसलिए सच्चिदानंद महाराज की पुस्तक है लिविंग नेम, जीवित नाम। ये दुनिया का नाम सब जड़ नाम है, मरा हुआ नाम है, पर भगवान का हरिनाम जीवित नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, जितने भी रस चाहिए हमको दुनिया में, जूस ढूंढ रहे ना हम, अलग अलग मजा ढूंढ रहे हैं दुनिया में, जितने भी रस है रस विग्रह पूर्ण, जितना भी रस है उसका जो भंडार है भगवान का हरिनाम है। पूर्ण नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, तो भगवान का जो हरिनाम है पूर्ण तरह से शुद्ध है और पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए भगवान का हरिनाम लेंगे हम भी शुद्ध बनेंगे और हम भी मुक्त बनेंगे। नाम नामिनो भिन्नत्वम, तो भगवान का जो हरिनाम और भगवान में बिल्कुल फर्क नहीं है, या नॉन डिफरेंट। तो ये केवल अष्टकम था, हरे नामैव केवलम, द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज द होली नेम ऑफ कृष्णा। अभी मैसेज आ रहा है अमन उपलब्ध ग्रुप, द अल्टीमेट सॉल्यूशन कृष्णा उपलब्ध ग्रुप। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है, ये एक ही मार्ग है हमारा, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। Thank you very much. Hare Krishna.